जिनकी हिंसा करने के लिए असुरों ने सोमपान करने वाले अधर्वयु जनों को घेर लिया था, जिन्होंने अपने वज्र से शंबर का दमन किया था, जो संस्कार किए हुए सोमरस को पी चुके हैं, वे इंद्र हैं, जो जलों की वर्षा करते हैं, जो कामनाओं को पूर्ण करते हैं, जो सात रश्मियों वाले सूर्य के रूप में स्थित हैं, जिन्होंने वज्र ग्रहण करके आकाश पर चढ़ते हुए शंबर असुर का वध किया था, तथा जिन्होंने सात नदियों को उत्पन्न किया, वे इंद्र हैं, जिनके सामने आकाश और पृथ्वी झुकते हैं, जिनके भय से पर्वत भी कांपते हैं, जो सोमपान करने के कारण दृढ़ शरीर और शक्तिशाली भुजाओं वाले हैं, तथा जो वज्र को धारण करते हैं, वे इंद्र हैं। हे मनुष्यों, जो सोमरस निचोड़ने वाले की, चमकने वालों की तथा स्तुतियां करने वालों की रक्षा करते हैं, सोमरस जिसके बल ज्ञान और यश को बढ़ाता है, वे ही इंद्र हैं। हे मनुष्यों, जो इंद्र जन्म लेते ही धावा पृथ्वी अर्थात स्वर्ग और धरती की गोद में प्रकाशित हुए, जो अपनी माँ रूपी पृथ्वी और पिता रूपी आकाश को नहीं जानते, तथा हमारे द्वारा स्तुति किए जाते हुए देव संबंधी कर्म अर्थात यज्ञ को पूर्ण करते हैं, वे ही इंद्र हैं। हे मनुष्यों, सोमरस की कामना करते हुए जो इंद्र अपने हरि नाम के घोड़ों को चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तथा जिन्होंने शंबर और शुष्ण नाम के असुरों को मारा, एकमात्र वे ही इंद्र हैं। हे मनुष्यों, जो इंद्र सोमरस निचोड़ने वाले तथा चरु पकाने वाले को यथेष्ट अन्न देते हैं, तथा जो निश्चित रूप से सत्य हैं, हम सभी ऐसे इंद्र के प्रिय होते हुए उत्तम वीरों के स्वामी बने। सूक्त 35वां देवता इंद्र। मैं इंद्र को प्राप्त होने वाले स्तोत्र का भली भांति उच्चारण करता हूँ। इंद्र बलवान, सोमपान के लिए शीघ्रता करने वाले तथा गुणों से महान है। इंद्र स्तुतियों के समान है और उनका सर्वत्र गमन है। जिस प्रकार भूखे को अन्न प्रेरणा देता है, उसी प्रकार स्तुतियों की इच्छा करने वाले इंद्र की मैं स्तुतियां करता हूँ। मैं इंद्र के लिए पूर्व यजमानों के द्वारा सोमरस आदि हवि प्रस्तुत करता हूँ। मैं इंद्र के लिए अन्न के समान अपना स्तोत्र अर्पित करता हूँ। मैं अपने शत्रुओं को बाधा पहुँचाने के लिए स्तोत्र रूपी घोष करता हूँ। अन्य ऋत्विज भी सबके स्वामी इंद्र के लिए अपने मन और बुद्धि के अनुसार अपनी स्तुतियों को प्रस्तुत करते हैं। मैं उन प्रसिद्ध इंद्र को उपमा देने योग्य, धन का प्रदाता और स्वर्ग प्राप्त करने वाले स्तोत्र बोलता हूँ। यह स्तोत्र अतिशय धनवान इंद्र की वृद्धि के लिए उच्चारण कर रहा है। मैं इंद्र के उपयोग के हेतु इस स्तोत्र का घोष कर रहा हूँ। रथकार जिस प्रकार स्वामी के लिए रथ का निर्माण करता है, उसी प्रकार मैं स्तुतियों द्वारा प्राप्त करने योग्य एवं मेधावी इंद्र के लिए सभी यजमानों द्वारा प्रस्तुत करने योग्य सोमरस आदि के रूप में हवि तथा स्तुतियां अर्पित करता हूँ। ये स्तुतियां मैं अन्न प्राप्त के हेतु कर रहा हूँ। मैं अन्न प्राप्ति की इच्छा से इंद्र के लिए हवि रूप अन्न प्रस्तुत करता हूँ। जो घी से मिला हुआ है, जिस प्रकार रथ में घोड़े जोड़े जाते हैं, उसी प्रकार मैं हवि को घृत युक्त करता हूँ। इंद्र शत्रुओं को पराजित करने वाले, दान करने वाले और असुरों के नगरों को ध्वस्त करने वाले हैं। इन्हीं इंद्र के लिए विश्वकर्मा ने वज्र नाम का आयुध बनाया था, जो अतिशय शोभन तथा स्तुति के योग्य है। इस वज्र का निर्माण युद्ध के लिए तथा आक्रमण करने वाले शत्रुओं को रोकने के लिए किया जाता है।
सबके स्वामी इंद्र ने इस वज्र से वृत्र राक्षस के मर्म स्थान में प्रहार किया था। सबके निर्माण कर्ता और महान इंद्र के असाधारण कर्म का वर्णन किया जा रहा है। इस इंद्र ने सोम याग संबंधी यज्ञों में सोम रस का पान किया था तथा पुरोडाश के अन्न का भक्षण किया है। तीनों सवनों अर्थात प्रातः मध्यान्ह और सायंकाल के हवनों में व्याप्त तथा शत्रुओं का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रुओं का धन छीन लिया है। पर्वतों पर वज्र का प्रयोग करने वाले इंद्र ने वर्षा को रोकने वाले मेघ को विदीर्ण किया था। इन इंद्र के लिए इंद्राणी आदि देव पत्नियों ने स्तोत्र का उच्चारण किया। इस इंद्र ने विस्तृत स्वर्ग और पृथ्वी को अपने तेज से अतिक्रमण किया था। धावा और पृथ्वी इंद्र के महत्व को पराजित नहीं कर पाए। इन इंद्र का महत्व धुलोक और पृथ्वी से भी बढ़कर है। ये इंद्र शत्रुओं पर अपने ही तेज से सुशोभित होते हैं। इस प्रकार के इंद्र संग्राम के लिए जाते हैं अथवा वर्षा करने के लिए मेघों के समीप पहुंचते हैं। इन्हीं इंद्र देव के बल से जो वृत्र राक्षस भयभीत हो रहा था, इंद्र ने अपने वज्र से उसका शीश काट दिया एवं पाणियों द्वारा चुरा कर रखी गई गायों को मुक्त किया। इंद्र ने मेघ का भेदन करके सभी प्राणियों की रक्षा के कारण जलों को मुक्त किया। इंद्र हवि देने वाले यजमान के समान अपना मन बनाकर प्रसिद्ध अन्न प्राप्त कराए। इन्हीं इंद्र के दीप्त बल के कारण बहने वाली नदियां अपने अपने स्थान पर सुशोभित होती हैं, क्योंकि इंद्र ने अपने वज्र से उन्हें नियंत्रित किया है। इंद्र शत्रुओं का वध करके स्वयं को स्वामी बनाते हुए हवि देने वाले यजमान के लिए अन्न प्रदान करते हैं। वृत्र राक्षस के वध के लिए अत्यधिक शीघ्रता करते हुए सबके स्वामी इंद्र शत्रु की सेना कितनी है ऐसा कहकर उसका बल हरण करने वाले तुम वज्र का प्रहार करो। जिस प्रकार पशुओं के मांस के टुकड़े किए जाते हैं उसी प्रकार तुम शत्रुओं पर प्रहार करो। हे इंद्र, तुम जल की इच्छा करते हुए भूमि पर जल के प्रवाह के लिए वृत्र के शरीर को अपने वज्र से नष्ट कर दो। अपनी स्तुतियों में इंद्र की प्रशंसा करो। हे स्तोता, स्तुतियों के योग्य इंद्र की स्तुतियों से प्रशंसा करो। जब इंद्र युद्ध के लिए अपने आयुधों को चलाते हुए तथा शत्रुओं की हिंसा करते हुए उनकी ओर जाते हैं, हे स्तोता, उस समय स्तुतियों का उच्चारण करो। इन इंद्र के जन्म से ही पंख कटने के भय से पर्वत भी दृढ़ हो गए थे। इंद्र के भय से धरती और स्वर्ग भी कांपते हैं। इन इंद्र की अनेक स्तोत्रों से प्रशंसा करके नौधा नाम के ऋषि सामर्थ्य वाले हुए। इन्हीं इंद्र के लिए स्तुतियों और सोम लक्षण अन्न प्रदान किया जाता है। इस कारण अधिक धन के स्वामी इंद्र स्तोत्र आदि के विषय में अद्वितीय हुए। इंद्र ने सोवश्य की रक्षा के अवसर पर सूर्य से अधिक तेजस्वी ऐतश नाम वाले ऋषि की भी रक्षा की। हे इंद्र, गौतम गोत्र वाले अनेक ऋषि तुम्हारे लिए मंत्र रूपी स्तोत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। इन स्तुतिकर्ताओं को अनेक प्रकार का धन और अन्न प्रदान करो। जिस प्रकार इंद्र देव इस समय हमारी रक्षा के लिए आए हैं, उसी प्रकार वे अन्य दिनों में हमारे यज्ञ में आए। सूक्त 36वां देवता इंद्र। जो इंद्र यजमानों के यज्ञों में प्रधान रूप से आह्वान करने योग्य हैं, उनकी मैं उन वाणियों के द्वारा स्तुति करता हूँ जिनके स्वामी इंद्र हैं। वे कामनाओं को पूर्ण करने वाले इंद्र की स्तुतियों के द्वारा प्रार्थना की जाती है। वे इंद्र बल के विनाशक अनेक कर्म करने वाले तथा शक्तिशाली हैं। हमारे समर्थ पूर्व पुरुषों ने हवि रूपी अन्न देकर इंद्र देव की कामना की
तब वे 9 महीनों के बाद सिद्धि प्राप्त कर पाए। इंद्र की स्तुति करते हुए उन्होंने पितृलोक प्राप्त किया। इंद्र शत्रुओं की हिंसा करते हैं, दुर्गम मार्ग को पार करते हैं तथा अतिशय शक्तिशाली हैं। इंद्र की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता।